गुस्सा आप देख सकते हैं इन बच्चों का। हमें इतना भी अधिकार दिया कि हम यहाँ पे आके अपने वोट रख के आप ये बताइए कब तक बर्दाश्त करूँगा। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। दी लल्लन टॉप इस वक्त सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली के बाहर है। यहाँ पर बाएं तरफ मेरे जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसका ऑफिस है, कर्मचारी चयन आयोग, जिसका काम अलग अलग पदों पर सरकारी वैकेंसियाँ निकालना, उनमें भर्ती करना, उसके लिए परीक्षा करवाना, आयोजित करवाना, ये सब होता है। लेकिन आज यहाँ ऑफिस के बाहर हम देख सकते हैं कि जब बारिश हो रही है इतनी तेज़ी से, तब भी इतनी संख्या में युवा यहाँ पर इकट्ठा है और एसएससी से कुछ मांगे हैं इनकी, उसको लेकर ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे हैं कि अधिकारी आएँ और इनसे बात करें। हम इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांगे क्या हैं और क्यों ये लोग इतनी बारिश में, इतनी ख़राब मौसम में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम शशांक शर्मा है। हाँ जी, ये आप लोगों ने 1 जनवरी नारा भी लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट हाँ जी में भी लिख रखा है, क्या मसला है ये भैया? एसएससी ने इस बार 2023 का नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें क्रूशियल डेट ऑफ एज रेकनिंग 1 जनवरी की जगह 1 अगस्त रख दी गई है। थोड़ा आराम से समझाइए मुझे, ये सीजीएल की वैकेंसी है? हाँ जी, हाँ जी। कब आई थी वैकेंसी? ये 3 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अच्छा, पिछले 3 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। हाँ जी, ठीक है। ये सीजीएल परीक्षा के बारे में थोड़ा मुझे ये सीजीएल परीक्षा एसएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी ऑफिसर के सिलेक्शन किया जाता है, अधिकारियों की भर्ती। हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं या जितने भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर जितने भी हैं, वो इन्हीं के इन्हीं एग्जाम के थ्रू भर्ती होती है। अच्छा, ये जो एसएससी की ओर से जो सबसे बड़े पोस्ट होते हैं वो यही वाली परीक्षा, मतलब अगर एसएससी का एग्जाम देके आपको अधिकारी बनना है तो सीजीएल पास? बिल्कुल सर, इनफैक्ट यूपीएससी के बाद सबसे बड़े लेवल पे कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम है 2022 के लिए। 2022 में 34 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा गया था, 34 लाख बच्चों ने, मतलब बड़ी संख्या में, लाखों बच्चे। बहुत क्या दिक्कत हो गई सर? हर बारी पिछले 10 साल से एसएससी ऐसे ही करते आ रही है कि क्रूशियल डेट ऑफ एज रेकनिंग 1 जनवरी रखी जाती है, जिसका मतलब ये है कि उस साल में होने वाले जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो सारे के सारे पेपर दे पाएंगे। लेकिन इस बारी 2023 में इन लोगों ने 1 जनवरी की जगह 1 अगस्त रख दी गई, जिसका मतलब ये है कि जनवरी से लेकर जुलाई में पैदा होने वाले बच्चे 29 के होते हुए भी 30 के हो गए हैं और हम अपना लास्ट अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि 1 जनवरी से एज की गिनती होती थी? हाँ जी, ठीक है। और कितने एज लिमिट कितनी होती है? एज लिमिट सर इसमें 2 लेवल के एग्जाम होते हैं, 27 की होती है और 30 की एज लिमिट होती है। अच्छा, हाँ जी। तो अगर जैसे 30 साल का हो मतलब अगर लिमिट है, तो जो 1 जनवरी 1993 मतलब तो 1993 वाले साल में जितने लोग पैदा हुए हैं सब लोग उसको दे सकते हैं, मतलब 2023 के हिसाब से? हाँ जी, अगर एक जनवरी 2023 के हिसाब से ये नहीं होता है। हाँ। पिछले 10 साल में जितने पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी बच्चे, अगर इस साल 1993 वाले बच्चे एलिजिबल होने चाहिए थे, लेकिन जनवरी से लेके जुलाई तक जो बच्चे पैदा हुए हैं या जिनका बर्थडे जाते हैं वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाहर हो गए हैं। अच्छा। जबकि अगर एज लिमिट 30 है तो इंक्लूसिविटी सारे बच्चों की होनी चाहिए। अच्छा। जो 93 में पैदा हुआ है वो हर बच्चा इस साल 30 साल का होगा। अच्छा, तो यहाँ पर पुलिस के भी लोग हैं, थोड़ा सा रास्ता वगैरह पीछे करवा रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो 1 जनवरी 1993 से 31 जुलाई तक के बच्चे थे 1993 पैदा हुए, वो इस एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं, एलिजिबल नहीं हो गए, क्योंकि इन्होंने आयु गणना 1 जनवरी से ना लेके 2 अगस्त से ली है। तो अगर एक बच्चा 1 अगस्त को भी जिसका बर्थडे आता है वो पेपर नहीं दे सकता, 2 अगस्त वाला दे सकता है। ये कौन सा, कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का रूल है ये? अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि पहले जो गिनती होती थी वो 1 जनवरी से होती थी, इस बार पैटर्न बदल के 1 अगस्त से शुरू कर दिया गया, तो क्या नुकसान क्या है इसका मुझे? सर इसका नुकसान ये है कि जैसे पिछले 4 साल का ट्रेंड था, 19, 20, 21, 22 चारों साल बच्चों की एज जो ली जाती थी वो 1 जनवरी से ली जाती थी। इस साल इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली कि 1 अगस्त से हम 2 अगस्त से हम डेट लेंगे,
उससे ये हुआ कि जो जनवरी से लेके जुलाई तक के बच्चे हैं, जिनका बर्थडे भी जनवरी से जुलाई तक के बीच में आता है, वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, जिनका या तो 27 एक्सीड कर रहा है या 30 एक्सीड कर रहा है या 32। इसमें तीन बैंड की जॉब्स होती हैं, एक जो आप 27 साल तक के लिए एलिजिबल हो, एक आप 30 साल तक के लिए, और एक पोस्ट होती है स्टैटिस्टिक्स की जो कि 32 के लिए होती है। तो ये जो इफेक्ट आया है वो सिर्फ 30 एज वाले बच्चों पे नहीं आया है, ये 27 वाले बच्चों पे भी आया है। अब जो मैक्सिमम पोस्ट है एसएससी की वो अंडर 27 वाली वैकेंसी निकलती है, 27 से 30 के लिए, जो 30 तक के लिए एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ उतने बच्चों के लिए जो क्रीम पोस्ट है एसएससी में 4200-4600 ग्रेड प्रे वाली। जो मैक्सिमम वैकेंसी आती है वो अंडर 27 ही आती है, वो बच्चों का भी नुकसान है जो जिनका बर्थडे 1996 से 1 जनवरी से 2 जुलाई तक 2 अगस्त तक आ रहा है। कितनी संख्या में आप मतलब ऐसे बच्चे हैं जो इस बार फॉर्म नहीं भर? करीब 1.5 लाख बच्चा है जो फॉर्म नहीं भर पा रहा। दूसरी चीज ये है, हमने सर्वे कराया जिसमें करीब 95,000 बच्चा ऐसा है जो जॉब छोड़ चुका है अपना इसके चक्कर में। अगर ये एक साल पहले हमको पीरियड नोटिस दे देते कि भाई इस बार ऐसा करने वाला है, तो कम से कम बच्चे जॉब तो नहीं छोड़ते, इसकी प्रिपरेशन तो नहीं करते, वो कुछ और अल्टरनेट देखते। इन्होंने बताया ही नहीं है पहले, अब बता रहे हैं जब फॉर्म इन्होंने निकाल दिया। तो डायरेक्ट जब नोटिफिकेशन आया तभी आप लोग तभी इन्फॉर्म किया इन लोगों ने। अगर ये पहले बता देते तो कम से कम बहुत सारा बच्चा अपने घर से जो इतने टाइम से बाहर रह के प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी पूरी फैमिली हम लोगों पर डिपेंडेंट करती है, तो वो कम से कम कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? करीब ये मानिए कि 8-9 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं इसकी, और लास्ट टाइम कुछ बच्चे इनकी टाइपिंग की वजह से रह गए, किसी को कीबोर्ड सही नहीं मिला, किसी की कोई और दिक्कतें होगी, जबकि क्वालिफाई सब कर चुके थे लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो रह गए। तो इस टाइप के जो बच्चे हैं अगर ये प्रायर नोटिस दे देते तो आज ये हमको नहीं आने पड़ते। चेयरमैन नहीं मिलते, हम पीयूष गोयल सर से मिल चुके हैं, पीयूष गोयल सर से यहाँ से बोलते हैं जी ये तो 1988 का रूल है। अरे रूल में तो ये भी लिखा हुआ है कि आप पहले से बच्चों को बताओगे कौन सा आप रूल फॉलो कर रहे हो पहले से? आप कहते हो बच्चे तो अनएजुकेटेड है। क्या रूल में क्या लिखा है कि 1 अगस्त से गिनती होगी? सर रूल के हिसाब से जो है ये लिखा हुआ है कि अगर एग्जाम पहले हाफ में होता है मेंस का तो 1 जनवरी होगा, और दूसरे हाफ में होता है तो 1 अगस्त होगा। पहले हाफ का मतलब हो गया जनवरी से जून तक और दूसरे हाफ मतलब जुलाई से दिसंबर तक। जी अच्छा, तो ये रूल है। लेकिन उसी DOPT के रूल के तीसरे पॉइंट में एक चीज लिखी हुई है कि अगर कोई भी इस तरह के बदलाव आते हैं जो रूल के हिसाब से नहीं चल रहे हो तो उसके बारे में उस बदलाव का एग्जैक्ट पोजीशन आपको बच्चों को नोटिस में बताना होगा। अब पिछले साल 2022 में कोविड की वजह से इन्होंने उस रूल को फॉलो नहीं किया और उस रूल के अगेंस्ट इन्होंने डेट रखी, तो उसी रूल के तीसरे पॉइंट के हिसाब से इनको बताना चाहिए था कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। अब सवाल उठता है कि एग्जैक्ट पोजीशन होता क्या है, तो हम जाते हैं कि हिस्ट्री देखते हैं इनकी, तो जब भी ऐसा कोई रूल के हिसाब से अलग बदलाव इन्होंने किया था तो ये लोग अगले साल के बच्चों को बता देते थे, जैसे कि आज हम यहाँ खड़े हैं, पिछले साल ही बता देते थे जब बदलाव हो रहा है कि भाई अगले साल आपको DOPT के 1988 के रूल के हिसाब से उम्र देखा जाएगा। लेकिन पिछले साल 22 में हमें कभी ऐसा बताया नहीं गया। 12 में भी इस तरह की सिचुएशन आई थी तो उन्होंने 13 वालों को बता दिया, 16 में आई थी तो 17 वालों को बता दिया कि भाई नोटिस देके कि आपके साथ ये हो बदलाव होने वाला है अगले साल जो है 1 अगस्त होगी। जो भी बदलाव होता था उसके बारे में पहले बता देते थे। इस बार 2023 वाले बच्चों को 2022 में बताया नहीं, सीधे नोटिफिकेशन में आपने बम फोड़ा है, तो बच्चा कैसे रेडी रहेगा पहले से? हर बच्चे का हक होता है कि उसको पता हो कि उसका लास्ट अटेम्प्ट कब होने वाला है, ये उसको पहले से पता होना चाहिए। लेकिन इन्होंने अभी हमें बताया कि 22 में हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, ये कैसे हो सकता है सर? हमें तो पहले पता होना चाहिए ना कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट कब है। तो आपने ये बात SSC के अधिकारियों से एक मीटिंग हुई थी सर हमारे अधिकारियों के साथ, वो बिल्कुल शुरू में हुई थी, तब हमने अपनी बात रखी है सारी। हमने उनको बोला कि सर हमने नोटिस नहीं दिया गया, तो हमें बड़ा अजीब सा जवाब सुनने को मिला। वो कह रहे नोटिस एक बार देंगे, बार बार नहीं देंगे। तो सर एक बार वही तो समझ नहीं आया, क्योंकि हमने पूरी इनकी वेबसाइट खंगाल ली। कभी 2022 के नोटिस के बाद कोई नोटिस या एडेंडम निकाल के इन्होंने बताया ही नहीं, तो इनके हिसाब से 2016 के नोटिस देखेंगे हम। 2016 में जो नोटिस दिया था, मतलब इनको पता भी नहीं था। हमने बोला कि सर 2015-16 में इस तरह के बदलाव हुए थे, तो 2016 के बाद जो एग्जाम हुए उसमें वही फॉलो किया गया, उसमें रूल फॉलो करते हैं, तो बच्चों को पता होता है कि भाई एक साल बाद एज काउंट होगी। इस बार अचानक से 1.5 साल कर दिया, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा जब आप बताओगे नहीं नोटिस डाल के कि भाई इस बार हम 1.5 साल वाला करने वाले हैं, DOPT का रूल ये वाला फॉलो करने वाले हैं। और हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने जब इनको बोला कि 15-16 में ऐसा हुआ था, तो इनका जवाब आता है कि 15-16 में तो हम यहाँ थे नहीं, हमें क्या पता क्या हुआ था।
हमें पता ही नहीं है। तो आप लोगों ने मतलब बातचीत नहीं हुई कि जो बच्चे छूट रहे हैं पीछे जिनका लास्ट अटेम्प्ट साबित हो रहा है, तो उन लोगों को भी कंक्लूड किया जाए, उन लोगों को भी ले लिया जाए, इस पर कोई? हमने यही बोला, हमने यही बोला, कम से कम हम चाहते हैं चेयरमैन मिले तो सही हमसे, हम अपनी बात तो रखें, हमारा कोई एक बार आके मीटिंग कर ले, बस हम इतना चाहते हैं कि कोई एक बार आके हमसे मिले, हमारी मांगे पूरी कर दे, बस छोटी सी रिक्वेस्ट करें कि आपने 2012, 15, 16 में जब बच्चों ने इसी तरह से किया तो उन्होंने चेंज कर दिया था, 1 अगस्त से 1 जनवरी फिर से कर दिया, तो एक बार, जबकि पिछले 2-3 साल से तो कोविड से अफेक्टेड बच्चे हैं और पिछले साल 2022 के मेंस का पैटर्न चेंज हो गया, तो कुछ बच्चों के समझ में ही नहीं आया जो पहले मैथ और इंग्लिश होती थी, अब इस बार इन्होंने कंप्यूटर टाइपिंग सारा कुछ इंक्लूड कर दिया, रीजनिंग जी के सारा इंक्लूड, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे क्वालीफाई नहीं कर पाए या किसी रीजन से, तो हम बस इतना चाहते कि इन्होंने जो 1 अगस्त डेट रखा है बस वो 1 जनवरी कर दें, जिससे जो भी बच्चे मतलब छूट रहे हैं वो इंक्लूड हो जाए, अगर इनको चेंज करना है तो ये जैसे 2024 का आएगा तो एक बार ये प्रायर इंटीमेशन दे दें कि 2024 से हम 1 अगस्त रखेंगे, उसके बाद कोई इनसे ऐसा अपना हक नहीं मांगेगा, लेकिन इस बार इन्होंने नहीं दिया इंटीमेशन, इसलिए हम चाहते हैं कि ये 1 जनवरी ये अपना रेजिकनिंग डेट रख लें। अच्छा, आप लोग दिल्ली में रह के ही तैयारी करते हैं या फिर दिल्ली के और प्रोटेस्ट करने आए? नहीं, ऑल ओवर स्टेट से आ रखे हैं, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आए हुए हैं, ये हरियाणा से आई हुई, लखनऊ, हरियाणा, कई लोग हैदराबाद से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीखा है, मैं सोनपुर से आई हुई हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऐसे जो ये फैसला है उसके आपका भी लास्ट अटेम्प्ट है? मेरा भी लास्ट अटेम्प्ट है, मैं 29 की हूँ, बट ये जो इन्होंने 6 महीने का चेंज कर दिया, मेरे को 30 बना दिया, क्योंकि हर गवर्नमेंट एग्जाम में ये होता है तुम 30 ईयर तक एग्जाम दे सकते हो, हमसे 29 में हमारा लास्ट अटेम्प्ट क्यों छीना जा रहा है? कितने साल से तैयारी कर रहे हो आप लोग? मेरे को 5-6 साल हो गए सर तैयारी करते, हम पिछले 20-25 दिनों से गुरुद्वारे में रुके हुए, सारी लड़कियां, हजारों बच्चे जिनमें लड़कियां भी है लड़के भी है, एक लड़की प्रेग्नेंट है वो तब भी यहाँ आती है और रुकती है, बट इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोगों ने कोई बातचीत नहीं हुई एसएससी चेयरमैन ने? याद कर, एक मीटिंग हुई थी शुरुआत में, वो भी टेम्प्रेरी, इन्होंने मीटिंग करी थी बहुत अच्छी, ठीक है, उसके बाद ये कुछ नहीं सुन रहे, आज बारिश में हम खड़े हैं तब भी कुछ नहीं सुन रहे उनके लिए, सर ये छोटा सा चेंज है, यहाँ पे बच्चों की लाइफ खत्म हो रही है, मतलब खराब हो रही है, उनको बिल्कुल भी दया भी नहीं आ रही है, समझ भी नहीं आ रहा है, और पता नहीं अपना क्या वो करने वाले हैं, हमारे 2 दिन बचे, 3 तारीख को लास्ट डेट है, 3 तारीख को लास्ट डेट है जी सर, 3 तारीख को लास्ट डेट है, हम पिछले 1 महीने से यहाँ चक्कर काट रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस वाले आते हैं हमें उठा देते हैं, हम भी शांति प्रिय तरीके से चले जाते हैं, पुलिस वालों को हमारा दर्द समझ में आता है, उन्होंने हम पे ना कोई लाठी चार्ज किया है ना कुछ किया है, बस वो अपना आके यहाँ 144 का लगा देते हैं, हमें उठना पड़ जाता है, वो भी हमारी मजबूरी समझ रहे हैं, बस ये एसएससी वाले नहीं समझ रहे, इन्होंने अपने कानूनों में रूई डाली हुई है। आप ये बताइए, हम 20-25 दिन से हाथ जोड़ के सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट हम भी मजबूर हैं, हम कब तक रिक्वेस्ट करेंगे, आखिरी में हमें भी कुछ कदम उठाना पड़ेगा सर, चाहे फिर वो कुछ भी कदम हो, हम मजबूर है उठाने के लिए, और एसएससी हमें मजबूर कर रही है, क्या मांग रहे हैं, सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट मांग रहे हैं अपना, और कुछ नहीं मांग रहे। अगर हम गलत होते, हम यहाँ आने लायक थे ही नहीं, हम 1 महीने से आ रहे हैं, हमें बाहर आके बता दे हमारी गलती क्या है, हम चले जाएंगे वापस, सामना करें ना, चोरों की तरह अंदर बैठे हुए हैं, बाहर आए हमें गलती बताएं, हम चले जाएंगे वापस। तो अगर अधिकारी नहीं मिले तो आपने नेताओं से और दूसरे लोगों से? हम पीछे से लेके ऊपर तक सबके सामने जाके, नीचे से लेके ऊपर तक सबके सामने जाके रिक्वेस्ट कर ली, सबके सामने रिक्वेस्ट कर ली, कोई जवाब नहीं, ब्लैंक, बिल्कुल कोई जवाब नहीं। आप एक बार बताइए, हम कब तक रिक्वेस्ट करते रहे, कब तक हम आश्वासन पे बैठे कि उनकी तरफ जवाब आएगा? अब ये बताइए, हमारी लाइफ खत्म हो रही है, 2 दिन बचे, ये सोच रहे 2 दिन और इन बच्चों को ऐसे ही बहलाओ फुसलाओ, उसके बाद लास्ट डेट निकल जाएगी, हम यहाँ जब तक आएंगे जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि हमारी लाइफ खराब हो रही है, हम तो आएंगे और इनको एसएससी को जवाब देना पड़ेगा, बाहर उनको आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली की बात हो रही है, जो ये बच्चे इतने पैसे भी नहीं है इनके पास, अच्छे हाई लेवल की तैयारी करे, यहाँ प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाए, अपना प्राचीन काल का रूल दिखा रहे हैं 1988 का, जिसके पास भी हम जा रहे हैं वो रूल दिखा रहे हैं, 1988 का जो रूल है या तो उसे नोटिफिकेशन में मेंशन करो, कहीं वो रूल मेंशन नहीं है, कहीं भी वो रूल कहीं पे भी मेंशन नहीं, पहली बात, ठीक है। अब उसके उसमें 3 पॉइंट्स हैं, ऊपर के 2 तो पढ़ रहे हैं, लास्ट का 3रा पॉइंट ये पढ़ नहीं रहे, ठीक है, उसमें हम जीत रहे हैं, क्योंकि उसमें बोला हुआ है पहले से नोटिफाई करना है, पहले से नोटिफाई नहीं किया गया है इसलिए सब कुछ हो रहा है, रूल अगर मेंशन होता नोटिफिकेशन में ये सारा बखेड़ा ही नहीं होता, किसी को इनका रूल नहीं पता, हम 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं, बच्चे तो छोड़ो, किसी टीचर को इनका रूल नहीं पता, यहाँ पे एसएससी का, यहाँ
घर का खुद का बच्चा होता है तो क्या वो बारिश में यहाँ खड़े होकर रिक्वेस्ट कर रहा होता है जैसे हम कर रहे हैं, या वो उसे नजरअंदाज कर देते, वो उनका बच्चा होता है वो नजरअंदाज नहीं करते, बट हमारे ना तो आंसू दिखाई दे रहे हैं ना हम दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अपनी जिद पे है बस वो अपनी जिद पे, बट बच्चे नहीं हटने वाले जब तक वो हमें जवाब नहीं दे देते, हमारा अटेम्प्ट नहीं दे देते और नोटिस नहीं निकाल देते, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है तो यहाँ पर चलो बस बैठो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इनकी यही मांग है कि जो इनका लास्ट अटेम्प्ट है उसको लिया जाए, अभी यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लोग आ गए हैं और इन बच्चों को हिरासत में लिया जा रहा है, बस में बैठाया जा रहा है। पुलिस कह रही है तुम बस में बैठो, वहाँ पे छोड़ के आएंगे तुम्हें, जेएलएन स्टेडियम में छोड़ के आएंगे, 5 बजे हमको वहाँ से फ्री करेंगे, ये हो रहा है हमारे साथ, क्या करें सर हम यहाँ पे बैठ के, हमारी लाइफ तो खराब हो रही है ना। ये गुस्सा आप देख सकते हैं इन बच्चों का, पूरे पूरे दिन इतना भी अधिकार दिया कि हम यहाँ पे आके अपने बोर्ड रख के, आप ये बताइए कब तक बर्दाश्त करूँ मैं, फिर मेरी जब क्वालिफिकेशन तक तो बैठे उनको यहाँ पे आके बंद कर दूँ मैं, जला दूँ उन्हें, पुलिस लैब के लेके जा रही है अब कि तुम चले यहाँ पे खड़े, जर्मन सर क्या कर रहे हैं वहाँ पे एसी में बैठ के और बारिश में खड़े होके। यहाँ पर देख सकते हैं आप पुलिस के लोग आ गए हैं और इन बच्चों को देखना पड़ेगा कि वो हमारे साथ ये बिहेव करेंगे या कैसा बिहेव करना चाह रहे हैं वो हमारे साथ, हम साथ ही दे रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा करेंगे और सबकी लाइफ चौपट हो जाएगी, बुरी तरीके से सबकी लाइफ खराब होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन बच्चों को हिरासत में लिया जा रहा है, ये बच्चे बता रहे हैं कि इनको यहाँ से उठा लिया जाता है इस तरीके से और फिर जेएलएन स्टेडियम ले जाके इनको छोड़ते हैं। तो ये एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले छात्र थे जो पिछले एक महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांग है कि जो एज की काउंटिंग की डेट है वो 1 अगस्त की बजाय 1 जनवरी से की जाए, और इसी को लेकर ये पिछले एक महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, एसएससी ऑफिस है यहाँ पर उसके बाहर, लेकिन इनका ये दावा है कि एसएससी के जो चेयरमैन हैं वो उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं या जो भी अधिकारी हैं या नेता हैं उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, ये लगातार एक महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एसएससी के इस एक फैसले की वजह से लाखों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जो इस बार सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, छात्रों ने भी बताया कि सीजीएल एसएससी की एक बड़ी परीक्षा होती है जिसमें करीब 30 लाख से अधिक छात्र हर साल ये परीक्षा देते हैं और उसके जरिए जो बी ग्रुप के और सी ग्रुप के अधिकारियों की भर्ती होती है उसकी इसके जरिए सीजीएल की भर्ती की जाती है। तो अप्रैल में ये वैकेंसी आई सीजीएल की, एसएससी ने जारी की उसका नोटिफिकेशन और उसी में ये पता चला कि 1 जनवरी की बजाय 1 अगस्त से एज की काउंटिंग की जाएगी और इस फैसले की वजह से छात्रों को नुकसान हुआ और उन्होंने जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज यहाँ पर एसएससी के ऑफिस के बाहर सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे जिसके बाद भारी बारिश में पुलिस के लोग आए और अब उन छात्रों को लेकर यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी जेरी हैं, मेरा नाम गौरव है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।